तो ये देखिए हमारा बिल्कुल घर का फ्रेश गर्मा गर्म और देसी और शुद्ध घी बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें कलर आई है, ये बिल्कुल देसी घी का कलर आया है इसमें फ्रेंड्स। तो आप भी इस विधि को अपनाएं और इस प्रकार से घर के छाली से घी प्राप्त करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, राजीव किचन पर आपका स्वागत है। आज हम घर की छाली से घी निकालने की विधि जानेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। घी निकालने के लिए फ्रेंड्स हमने 5 से 6 दिनों का ये जो मलाई है छाली दूध का निकाला है हमने, ये लगभग वेट में 200 ग्राम के आसपास होगा, 200 ग्राम से थोड़ी सी कम, 150-200 ग्राम के आसपास। तो इसे हम अच्छे से इसे मैश करेंगे चम्मच की मदद से। इसे आप हाथों से भी कर सकते हैं, हाथ से थोड़ा जल्दी हो जाएगा और अच्छे से ये जल्दी इसका गोला बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा, तो चम्मच से हम कर रहे हैं इसे मैश। तो इसे खूब मिलाएंगे चम्मच से ताकि इसका ये गोला तैयार होके पानी छोड़ दे, जो इसमें बिल्कुल क्रीम बचे वही रह जाए इसमें, तो घी निकालने में आसानी होती है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाते मिलाते पता चल जाएगा कि इसका पानी अलग होने लगेगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने, तो देखिए इस प्रकार का हमारा तैयार हो गया मैश करने से। अब हम इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे। बर्फ़ का टुकड़ा इसलिए डालते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा जल्दी इसका गोला तैयार हो जाए, मतलब इसका जो मेन क्रीम है और पानी इसका जो थोड़ा बहुत है ये है वो अलग हो जाए। थोड़ा बहुत छाली निकालने में दूध उसमें जाता है, तो वो हमारा ये अलग हो जाएगा बर्फ़ से। इसे बिना बर्फ़ के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है फ्रेश होके। तो ये देखिए हमारा पानी अलग होने लगा है, वो जो छाली में जो थोड़ा बहुत दूध आ जाता है वो अलग होने लगा है, और ये हमारा जो क्रीम है बनके ये बिल्कुल अलग होने लगा है। तो ये जो पानी हमारा बना इसे हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल क्रीम अलग हो गया है और पानी इसमें जो भी था बचा खोचा वो सारा निकल गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे पानी को। तो ये देखिए हमने पानी निकाल लिया और उसका ये गोला बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप गोले छाली से जो क्रीम निकलता है उसका गोला ये निकाल के अब हम इसे कढ़ाई में चूल्हे पे पकाएंगे इसे। तो ये देखिए हमने इसे चूल्हे पे रख दिया है और इसे बिल्कुल शुरू में तेज फ्लेम पे रखेंगे इसे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल घी निकलने लगा है फ्रेंड्स, ये पीला पीला साइड से आप देख सकते हैं। तो शुरू में हम तेज फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसे लो टू मीडियम पे धीरे धीरे अच्छे से इसे घी निकालने के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये फैन हमारा छोड़ने लगा है, तो घबराएं नहीं यहाँ फ्रेंड्स, ये फैन यहाँ पे निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे फैन ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा घी बिल्कुल तैयार हो रहा है धीरे धीरे। इसे बिल्कुल लो टू मीडियम पे पकाना है फ्रेंड्स। ये देखिए अभी बिल्कुल फैन है इसमें, ये सारा फैन हमारा झाग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए फाइनली हमारा झाग ख़त्म हो चुका है। अब धीरे धीरे ये घी में परिवर्तित हो रहा है फ्रेंड्स। आप इसे मथने में हाथ का सहारा भी ले सकते हैं, डायरेक्ट हाथ से भी निकाल सकते हैं मथ के ये गोले को। तो ये देखिए हमारा घी फाइनली तैयार है फ्रेंड्स, ये निकल गया घी हमारा। तो अब हम इसे किसी कटोरी में छान लेंगे। ये देखिए घी निकलने के बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे, 2 से 3 मिनट बाद इसे छाँक लेंगे किसी बर्तन में। तो ये देखिए हमारा घी बिल्कुल अलग हो गया है और जो अवशेष बचा हुआ है उसका वो कढ़ाई में चिपका हुआ है। ये देखिए है ना बिल्कुल देसी देसी और शुद्ध घी घर का फ्रेंड्स, आपको बाज़ार में इतनी शुद्ध घी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही शुद्ध और हेल्दी घी होता है फ्रेंड्स, अपने घर का निकाला हुआ। तो आप भी इस घी के रेसिपी को आप अपने घर में निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारा लगभग ये घी जो है फ्रेंड्स 100 से 150 ग्राम के आसपास निकला है। तो ये जो जला हुआ जो बचा हुआ भाग है तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे भी
एक बॉल में निकाल लेंगे फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे ताकि ये कढ़ाई अच्छे से साफ हो जाए। तो ये देखिए घी हमारा बिल्कुल है ना शुद्ध और देसी, और कलर बिल्कुल देसी घी वाला इसमें आया है, और टेस्ट तो घर का घी का आप लोग को पता ही है, बहुत ही अच्छा और सुगंधित होता है। और ये बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स। तो ये जो जला हुआ भाग है फ्रेंड्स, तो वह भी एक बहुत ही अच्छा घर का रेसिपी हो जाएगा खाने में। इसमें हम चीनी मिला के खाएंगे। आप इसमें चीनी मिला के रोटी के साथ या ब्रेड के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ब्रेड के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे वेस्ट ना करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, घी वाली फ्लेवर आती है इसमें। तो आप इसे घर में खा सकते हैं। ये देखिए ये घी और उसका बचा हुआ शेष को आप अपने फैमिली के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे रेसिपी की। जय हिंद, जय भारत।